हेलो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर एवोल्यूशन है उसमें जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसमें बहुत कुछ लिखा है एनसीईआरटी में, उसको मैं आपको फ्लो चार्ट में पढ़ाता हूँ और आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो देखो, आज से 20 बिलियन ईयर साल पहले, 1 बिलियन में होते हैं बेटा 1000 मिलियन और 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो। तो बी वाई ए लिखा है मतलब बिलियन ईयर्स एगो और एम वाई ए लिखा है मतलब मिलियन ईयर्स एगो। तो आज से 20 बिलियन ईयर्स पहले एक सिंगल चीज थी, उसको बोलते थे एम। उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे यूनिवर्स बना, वो विस्फोट आज से 20 बिलियन ईयर साल पहले हुआ था। इसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब धीमे धीमे जैसे ये फैला, अपना यूनिवर्स फैलता चला गया, तो धीमे धीमे क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन होता चला गया, कम होता चला गया। और जैसे टेम्परेचर कम होता चला गया तो धीमे धीमे हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म्ड हो गए, ठीक है, ये बन गए, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन हीलियम है ये कंडेंस होके क्या बन गए, गैलेक्सी बन गए, अरबों खरबों गैलेक्सी है। मुझे उनसे मतलब नहीं है, हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा, जो शेप में कैसी है, स्पाइरल है, ओके। उसके बाद अर्थ बना, अर्थ मतलब सोलर सिस्टम्स बने, तो हमारे सोलर सिस्टम में सन भी है, बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं, तो हमारे प्लैनेट का नाम क्या है, अर्थ। तो अर्थ का बना 4.5 b/a, ठीक है। यूनिवर्स का बना था 20 b/a, अर्थ का बना आज से 4.5 b/a, ठीक है। अब धीमे धीमे जो अर्थ बनी तो उस समय वो पिघली हुई थी, मॉल्टन कंडीशंस में थी, तो उसमें जो वाटर वेपर्स है, मीथेन है, CO2 है और अमोनिया गैस है, ये बनने लगे उससे, ठीक है। अब जो आपकी यूवी रेस थे उसने जो वाटर था वेपर्स फॉर्म में उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, इसमें H2 में और ऑक्सीजन में, ये H2 क्या लाइट है तो ये स्कैप कर गई, ठीक है। और जो आपकी ऑक्सीजन है, अच्छा यहाँ पे याद रखना, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में, क्योंकि स्टार्टिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो अपना रिड्यूसिंग टाइप का था, और आज का आप देखोगे तो ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग टाइप का है, ठीक है। उसके बाद क्या बना, ओजोन लेयर बना, ओजोन लेयर बना, तो यूवी रेस से हमारा प्रोटेक्शन हो गया। धीमे धीमे हमारी अर्थ और कूल हो गई, जिससे जो वाटर वेपर्स फॉर्म में थे तो अब वो पृथ्वी के ठंडा होने से बरसात के फॉर्म में बरसने लगे, और पृथ्वी उनको होल्ड कर पाई। इसके पहले होल्ड क्यों नहीं कर पा रही थी, पृथ्वी इतनी लावा जैसी थी, सोचो आप, तो पानी कैसे रुकेगा, गिरेगा भी तो भाप बन के उड़ जाएगा, यानी पानी था लेकिन वेपर्स फॉर्म में था। जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री से कम आया तो हमारे अर्थ ने पानी को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, और उसी होल्डिंग से जो हमारे अर्थ पर डिप्रेशन थे उसमें वो पानी भर गया, जैसे सागर और महासागर बने, आज के समंदर बने, ठीक है। अब जो लाइफ का प्रोसेसिंग स्टार्ट है वो हुआ था 4b/a, बनी नहीं है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया, और जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म है वो बना था आज से 3b/a, और जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है, जो पहली सेल है, वो कब बनी, आज से 2b/a, ओके। तो मैंने यहां पर आपको बताया बहुत ही शॉर्ट में लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, ये आप इस चार्ट से समझ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।